Good afternoon. Hey everyone, I welcome you all on the platform of IFAS. Today we will going to discuss some of the most important questions and concepts regarding statistics and average. Okay. Good afternoon, Omar. चलिए फिर जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को. अगर आप जनरल एप्टीट्यूड में कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो CSIR IFAS लेके आई है आपके लिए एक नया बैच. वन में से स्टार्ट हो रहा है ये. अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, इस बैच के लिए और भी कुछ जानकारी चाहिए आपको, तो आप दिए गए इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे वो विजिट कर सकते हो. ठीक है. इसके साथ साथ आप एक ही टाइम पे एग्जाम्स जैसे नजदीक है तो आपको एक ही टाइम पे अगर हर एक वीडियो टोटल वीडियोस एप्टीट्यूड की चाहिए तो इसके लिए आपके पास है यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है. रिकॉर्डेड कोर्स भी आपके लिए IFAS लेके आया है यहाँ पे. इसकी वैलिडिटी 3 months और 6 months के दोनों में अवेलेबल है आपको. इसके लिए भी आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और दिए गए नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो. ओके. वॉइस नहीं है. ओके. वेट. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. गुड आफ्टरनून. अब ठीक है वॉइस. ओके. चलिए फिर हम अपनी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. आज के लेक्चर्स में आपको मीन के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस, मीडियन के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस और मोड के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. अगर आप मीन की बात करें तो ये क्या है, ये है आपकी अरिथमेटिक एवरेज. जब आप मीन निकालते हो, ओके, अगर आप मीन निकालते हो तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास दिए हुए हैं, सपोज कीजिए कि ये 5 ऑब्जर्वेशंस आपके पास दिया हुआ है, तो आप जितने ऑब्जर्वेशंस हैं इसका समेशन सम करते हो और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करते हो, डिवाइड करते हो. तो मीन आप ऐसे निकालते हो गिवन ऑब्जर्वेशन में. मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है आपका पोजिशनल एवरेज. मतलब अगर यहां पे 5 ऑब्जर्वेशन है तो आपके मिडिल में कौन सा है, कौन सी ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है, ये आपको बताती है मीडियन. मोड के केस में अगर आप बात करो तो कौन सी ऑब्जर्वेशंस आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में रिपीटेड है, तो मोस्ट रिपीटेड कौन सा होता है, ये होता है आपका मोड. अगर आप बात करो मीन मीडियन मोड की तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करोगे तो अगर डाटा आपका क्या हो, डाटा में अगर आपके वेरिएंस कम होंगी, जितनी कम होंगी उतनी ज्यादा आपका मीन मीडियन और मोड क्या होगा, क्लोज होगा. अगर डेविएशन ज्यादा होंगे तो उस केस में आपका मीन मीडियन और मोड जो होगा. आवाज में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या,
ओके यहां पे देखिए कि अगर आपके पास क्या है ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं और इसके बीच में क्या है वेरिएंस कम है, मतलब एक दूसरे से वो क्या हो रहा है, ओके यहां पे अगर आपकी क्या है वेरिएंस अगर कम होगी तो इस केस में क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ये क्या होगी सिमेट्रिकल होगी, मतलब अगर ये हर एक वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मतलब एक वैल्यू और दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या है कम है, तो इस केस में आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सिमेट्रिकल और इस केस में आपका मीन क्या हो जाएगा, मीन मीडियन और मोड इक्वल हो जाएगा। और यही अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो हो ये क्या हो जाए डेविएशन उसमें कम और ज्यादा हो जाए तो उसमें वो क्या होता है वो एस्क्यूड हो जाता है, जैसे अगर आप इधर देखोगे तो मीन इधर आ जाएगा आपका और इसमें लेफ्ट वर्ड जो होगा ये देखिए आपकी डेविएशन क्या हो रही है यहां पे 3 की, तो आप डाटा देख के भी आप उस वहां पे आप बता सकते हो कि आपकी मीन मीडियन और मोड जो है इसके बीच में डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। चलिए फिर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे 13 पर्सन का क्या है वेट दिया हुआ है 70, 72, 74 और दो न्यू आदमी जो है ये ज्वाइन करते हैं इस ग्रुप को, उनका वेट कितना है 100 केजी और 79 केजी। आपको बताना है कि इस ग्रुप का एवरेज वेट जो होगा वो कितने से इंक्रीज कर जाएगा। इसको आया आंसर करिए। यहां पे आपको ग्रुप दिया हुआ है, आपको एवरेज डिफरेंसेस पूछे जा रहा है, ठीक है, तो आप इसका क्या करोगे हर एक ऑब्जर्वेशंस का सम करोगे, राइट 94, 92, 90 ये कितना हो गया 4 to 6, 6 और 8 14, 6, 20, 24, 26 और ये हो गया आपका 34, 34 और 6, 40, 46 यहां पे आ गया 6 और कैरी हुआ 4 9, 4, 13, 13 और 9, 22 और 9, 31, 31 और 8, 39, 47 और 55
63 और फिर ये हो गया आपका 71, 78, 70, 85, 85 और 7, 95 और 95 और 7 कितना हो गया आपका 102 और 109, 109 और 4 113, ये आ गया 1136, ओके 1 kg, यस। यहां पे आपको इसको 13 से डिवाइड कर दो और इसमें आप क्या करो 179 ऐड कर दो और इसको 15 से डिवाइड कर दो, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको एवरेज का डिफरेंस। बाकी आप एक चीज और भी कर सकते हो कि यहां पे जो वेट जो असाइन हो रहा है नया वेट, इसका डिफरेंस आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 82 और ये कितना आ जाएगा आपका 83, इसके बीच का डिफरेंसेस कितने हैं, ये है आपका 1 kg, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे बताया जा रहा है कि वरुण जो है 5 पेन परचेज किया है एट द रेट ऑफ 200 ईच, मतलब एक पेन का कॉस्ट कितना है 200 रुपए है, और 6 पेन परचेज किया है एट द रेट ऑफ 250 ईच, 250 रुपए वाला पेन 6 खरीदा है और 200 रुपए वाला 5 पेन खरीदा है, 300 रुपए वाला 9 पेन खरीदा है, तो आपको एवरेज कॉस्ट बताना है एक पेन का कितना होगा। यहां पे भी आपको सिंपल सा क्या करना है, हर एक ग्रुप का आप टोटल प्राइस निकाल लो, फिर उसके बाद ऐड करो, फिर जितने भी पेन्स हैं उससे डिवाइड कर दो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितना आ जाएगा इसका आंसर, ओके देखते हैं एमएच सेट के चैलेंज क्वेश्चंस को, ठीक है बना देंगे एक। यहां पे अगर आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो देखिए 5 पेन खरीदा गया है कितने के कॉस्ट पे 200, ऐसा क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं परसेंटेज के केस में, और भी जितने टॉपिक्स पहले हम लोगों ने YT पे किए हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए 5 पेन्स हैं और 200 कॉस्ट है एक का, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा आपका, टाइम एंड वर्क में भी कर चुके हैं ये 260, ओके। यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट जो है खर्चा कितना हुआ है, 5 ये 200 रुपए वाले पेन खरीदने में, तो ये हुआ है 5 × 200 और 250 रुपए वाले में 6 × 250 और 300 वाले 9 × 300। इसको अगर आप सम करोगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1000, ये आ गया 25 × 150 और ये हो गया 2700, 2 × 3 × 2 = 5 हो गया 5200। अब आपको टोटल कितना है पेन, 6 × 5 = 11 × 9 = 20, ये कितना हो गया 260, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। आपको बस ग्रुप का टोटल निकाल लो कितना खर्चा हुआ है हर एक ग्रुप में, उसको सम कर दो और टोटल नंबर ऑफ पेन से क्या करो उसको डिवाइड कर दो, हाँ 5200। यहां पे देखिए आपके पास दिया हुआ है एवरेज वेट जो है ये 24 स्टूडेंट्स का,
इन अ सेक्शन ए ऑफ अ क्लास इज 58 केजी, वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ 26 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी ऑफ द सेम क्लास इज 60.5 केजी. फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. आपको टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में 50, इसका क्या करना है, एवरेज निकालना है. यहां पे भी दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप का एवरेज आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है, एक फाइनल ग्रुप का एवरेज निकालना है जहां पे दोनों ग्रुप को क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया है. इसका कितना आंसर आ जाएगा, यहां पे इसका कितना आंसर आया आपका. ओके, ओके, ओके. यहां पे आपको क्या करना है, 24 स्टूडेंट्स हैं और क्लास का एवरेज कितना दिया हुआ है सेक्शन ए का, ये दिया हुआ है आपका 58 केजी. तो 24 × 58, सेकेंड में कितना है, यह है 26 × 60.5. इस दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो और इसको डिवाइड कर दो किससे, 50 से. तो ये इस ग्रुप का टोटल वेट दे देगा और ये इस ग्रुप का क्या करेगा, टोटल वेट दे देगा. इसको आप अगर 50 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 59.3 केजी. ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि सैलरी ऑफ 50 एम्प्लॉय इंक्लूडिंग 5 ऑफिसर्स इन अ कंपनी इज 850. एवरेज सैलरी है 50 एम्प्लॉय का 850, इसमें 5 ऑफिसर्स भी क्या है, इंक्लूडेड है. ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी कितनी है, 2500 रुपये. फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग स्टाफ्स. तो उस स्टाफ्स का सैलरी आपको निकालना है जो क्या है, ऑफिसर्स नहीं है. नॉर्मल स्टाफ्स की एवरेज सैलरी क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे. ओके, इसका आंसर बताइए. गुड आफ्टरनून.
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50 एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 850। तो ये हो गया आपका टोटल सैलरी जो कंपनी क्या कर रही है, अपने हर एक एम्प्लॉय को दे रही है। ओके, अब 5 इसमें से क्या है, ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर्स का एवरेज सैलरी कितना है, ये है आपका 2500। तो इसको आप 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125, और ये हो गया आपका 12500। ये आ गया ऑफिसर्स को जो सैलरी पे की जा रही है वो। और यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 5 2 और 8 5 40 2 42, 42000, 42500। तो अब इसमें से आपको क्या करना है, 125,000 माइनस करोगे आप तो रिजल्टेंट कितना आएगा, ये आएगा 30,000। अब इस 30,000 में बाकी कितने की, ये 30,000 जो है ये कितने लोगों की सैलरी है, ये है ऑफिसर्स को माइनस करके, मतलब 50 पहले इंप्लॉय थे उसमें से 5 ऑफिसर्स हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 45। 45 से इसको आप डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 20,000 2,000 by 3। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 666.6666। इसको आप अप्रोक्स अगर देखोगे ऑप्शंस के साथ तो ये क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1667 जो होगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। यस करेक्ट। तो ये भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था आपका, दो अलग अलग ग्रुप का आपको क्या करना है, एवरेज सैलरी जो है ये पता थी, फाइनली आपको जो रिमेनिंग स्टाफ्स हैं उसकी सैलरी आपको बतानी थी, निकालनी थी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको, हम पहले भी बताए हैं अभी क्लास के स्टार्टिंग में, जो आप डाटा को देख के कैसे बता सकते हो कि आपकी मीन मीडियन और मोड जो है ये ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है बिना कैलकुलेट किए हुए। यहाँ पे आप देखो कि आपसे पूछा जा रहा है, फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज 60 65, ये डाटा गिवन है और विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मोड लेस देन मीडियन लेस देन मीन, सेकेंड में मोड लेस देन मीन लेस देन मीडियन, और मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, और मीडियन लेस देन मोड और लेस देन मीन। ये आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो होगा ये सही होगा इस केस में। आप इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी आप डाटा को देख के भी बता सकते हो यहाँ पे कि कौन सा ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलर होगा। ओके, ए देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे डाटा को तो जब आपको कंपेयर करना हो मीन मीडियन और मोड की, अगर मीन की बात है तो वहां पे आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन अगर मीडियन आएगा तो वहां पे आप अरेंज करके देखोगे तो डाटा वहां से आप विजुअलाइज करके भी आप बता सकते हो कि आपका आंसर जो है ये क्या आने वाला है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है आपका 60 65 60 65 70 70 70। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो, नॉर्मल कर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि सपोज करिए कि ये क्या है, ये है आपकी एक्सेस, यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है रिप्रेजेंटेड है, तो इसके रिस्पेक्टिव नॉर्मल कर्व अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये होगा नॉर्मल कर्व आपका, और ये हाइट जो है ये क्या बताती है आपको,
ये बताती है आपको कि इस पॉइंट पे कौन सी वैल्यू कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीटेड है इस सैंपल्स में, तो ये बताती है आपको मोड। मोड क्या बताती है? मोड बताती है कि आपके ऑब्जर्वेशंस में, आपके सैंपल्स में कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार क्या है, रिपीटेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हाइट जो बता रही है, ये क्या बता रही है कि इस पॉइंट पे आपका सबसे ज्यादा डाटा ये क्या है, रिपीट हुई है। अगर आप इस डाटा में देखोगे तो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, ये हुई है 70, मतलब यहाँ पे ये क्या आएगी 70। तो इससे नीचे आप देखो और इससे बड़ा कितनी डेविएशंस पे जा रही है, 70 से नीचे अगर आप देखोगे तो कितनी है 60, देन 10 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इधर आप अगर ये 60 हुआ तो यहाँ पे देखिए 70 के बाद कितना है 160, 90 का डिफरेंस है, मतलब ये क्या आ जाएगा 160, मतलब ये आपका नॉर्मल कर्व नहीं है, ये क्या है, ये है आपका पॉजिटिवली स्क्यूड, मतलब ये डाटा जो दिया हुआ है ये क्या है आपका पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। तो अगर आप पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो मोड आपका यहाँ आ गया। अब देखिए कि मीडियन जो है ये क्या होता है, मीडियन होता है पोजिशनल एवरेज, मतलब मीडियन आपके डाटा सेट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या होगा, लगभग आप देखो तो यहाँ से आपका आधा डाटा इधर होगा, आधा डाटा इधर होगा, तो ये क्या हो गया आपका मोड और ये क्या हो गया आपका मीडियन। तो मीडियन क्या हो रहा है, मीडियन ग्रेटर देन मोड है, जहां जहां आपका मीडियन ग्रेटर देन मोड दिख रहा है उसको आप रखो, बाकी सभी जगह को कैंसिल कर दो। फोर्थ आपका कैंसिल आउट हो गया और आपका थर्ड कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर आप मीडियन को देखोगे तो मोड से ग्रेटर है, यहाँ पे भी मीडियन जो है ये मोड से ग्रेटर है। अब देखिए कि जब पॉजिटिव स्क्यूड की बात करते हो तो मीडियन क्या होता है, मोड से ग्रेटर होता है, और मीडियन से क्या होता है, मीन आपका ग्रेटर होता है। तो आपका ऑप्शन वन क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। सेम केस अगर निगेटिव स्क्यूड होगा, हाँ बना दूंगा वीडियो, तो यहाँ पे देखिए कि अगर ये नेगेटिवली स्क्यूड होगा, मतलब जैसे हम लोगों ने देखा कि 70 के बाद आपका 160 तक ये डाटा सेट जा रही है, अगर ये 70 से इधर 90 का डिफरेंस है, ठीक है, इधर ये 90 का डिफरेंस है और इस तरफ लेफ्ट की तरफ अगर 90 प्लस का डिफरेंस हो जाए, तो इस केस में ये डाटा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड। आपको बेसिकली रेंज देखना है कि आपके मोड से कितना रेंज कहाँ डेविएट हो रहा है। तो अगर नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा तो ये ठीक फिर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आपका मीन सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर आपका मीडियन हो जाएगा, फिर आपका मोड हो जाएगा, सॉरी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको क्या करो, साइन को चेंज कर दो, स्मॉलर हो जाएगा, मीन सबसे छोटा हो जाएगा इस केस में। ये क्लियर है? ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखो तो विजुअलाइज करके डाटा को ये बता सकते हैं किस डाटा में कहां से मीन ज्यादा होगा, मीडियन ज्यादा होगा और मोड ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है द रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन 10 मैच। एक क्रिकेटर है जिसके 10 मैच में ये स्कोर्ड है, आपको बताना है कि मीडियन यहाँ क्या होगा, इस दिए हुए डाटा का मीडियन क्या होगा, ये बताना है आपको। मीडियन निकालना है, मीडियन निकालते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि मीडियन जब निकालो आप या फिर मोड निकालो तो उस केस में आप क्या करो, उसमें उसको रीअरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर्स में, तो यहाँ से आपको सुविधा होगी फिर। और अगर मीडियन बिना रीअरेंज किए हुए निकालोगे तो वो गलत होगा, तो आपको इस केस में डाटा सेट को रीअरेंज करना पड़ेगा, सबसे छोटी वैल्यू सबसे आगे, उसके बाद सबसे बड़ी।
कितना आया इसका आंसर 49.5। ओके बाकी सभी यहां पे देखिए 10 मैच है, आपको क्या करना है मीडियन निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको रीअरेंज करोगे, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, सबसे छोटी क्या है 1, उसके बाद फिर 1 है, उसके बाद क्या है 6, फिर 47, उसके बाद 58, उसके बाद फिर कितनी है ये आपकी 78, 52 भी है आपके पास यहाँ पे 52, फिर उसके बाद 58, फिर उसके बाद 78, फिर 96, उसके बाद कितनी है 102। अगर आप यहाँ पे देखोगे कितने डिस्ट्रीब्यूशंस दिए, कितने डाटा सेट दिए हुए हैं, कितने डाटा हैं यहाँ पे 49। ओके यहाँ पे कितने डाटा दिए हुए हैं, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 डाटा है, मतलब ये क्या है, ये है आपका इवन नंबर। तो इस केस में क्या होता है कि आप यहां पे कितने डाटा हो गए आपके 2, 4, 1, 5 और इधर भी कितने होंगे 5। तो ये बीच का 2 डाटा जो है इसको आप क्या करते हो, ऐड करते हो और डिवाइड कर देते हो 2 से, मतलब आपकी मिडिल टर्म्स की क्या करते हो, आप एवरेज लेते हो। यही जब अगर ऑड होता तो आप क्या करते, पूरे डाटा सेट को आप 2 से डिवाइड करते और नेक्स्ट टर्म जो आता ये क्या करते, उसको आप मीडियन मान लेते। अगर यहां पे सपोज कीजिए ये क्या था 103 रहता तो आपका मीडियन क्या हो जाता, यहां पे आप 5 डाटा सेट इधर छोड़ देते, 5 डाटा सेट इधर छोड़ देते, आपका मिडिल टर्म्स क्या होता 52। तो इस केस में आपका 52 मीडियन हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका इवन है, तो आप 10/2 फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म का क्या करोगे, आप एवरेज ले लोगे। तो इस दोनों का आप एवरेज लोगे तो कितना आएगा आपका 47 और 52, ये 7, 2, 9 हुआ और 9 को डिवाइड करोगे तो ये 4.5 के आसपास आएगा, मतलब पॉइंट में वैल्यू आएगी। अगर आप देखोगे कि ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे 0.5 है, तो आपको पूरे कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, बिना कैलकुलेट किए आप यूनिट डिजिट से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो आपका क्या आ गया आंसर 49.5। ओके क्लियर है ये, नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड जो होता है ये कितना होता है। ओके ए ओके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आपको याद होगा कि मीन मीडियन मोड के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, तब तो आप ये बहुत ही आसानी से बता दोगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से इसको मतलब ध्यान में रख सकते हो, जैसे आपको निकालना क्या होता है मोड, या फिर आप देखो आप किस क्रोनोलॉजी में स्टडी करते हो, आप स्टडी करते हो मीन पहले, उसके बाद मीडियन, उसके बाद क्या मोड। तो यहां से हम लोगों ने इस साइड से स्टार्ट किया था लिखना, अब क्या करो 1, 2 एंड 3 बीच में नेगेटिव साइन, आपको मीन लिखनी है, फिर मीडियन लिखना है, फिर आपको मॉड लिखना है 1, 2 एंड 3 और ये क्या है आपका नेगेटिव साइन। ओके नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहां पे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड कितना होगा।
मीन दिया हुआ है कितना 26.8 और मोड मीडियन कितना दिया गया है 27.9। आपको मॉड निकालना है, मॉड की वैल्यू जो है ये क्या होगी। सॉल्व करिए इसको, थर्टी पॉइंट वन। ओके, यहां पे देखिए अभी मॉड मोड मीडियन और मीन के बीच के रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा था, तो मॉड कितना था, ये था आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहां पे मीडियन कितना है आपके पास, मीडियन है आपका 27.9। इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस मीन कितना है, मीन है आपका 26.8 × 2। अगर आप देखोगे वहां पे क्या है, सब ऑप्शंस जो है ये क्लोज क्लोज है, तो ये इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 0.7 आ रहा है यहाँ पे और 8 to the 6। मतलब अगर आप पॉइंट की ही डिफरेंस को देखोगे तो ये क्या आ रहा है, 0.1। तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हो, 30.1 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। बाकी रही बात, तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो इसको। ओके, बस आज की क्लास में बस इतना ही क्वेश्चंस था। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेके और भी मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चंस को लेके। ओके, ओके, थैंक यू। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच।